नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागो स्टडी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पैसा को किस्त या ईएमआई में बदलना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पैसा को किस्त या ईएमआई में किस तरीके से बदला जाता है यही इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे आजकल आप लोग देखते होइएगा, अगर कोई किसी को पैसा देता है तो वो डेली बेसिस पे देता है, यानी डेली रुपया उससे लेता है, और इस तरीके से वो 100 दिनों तक उससे रुपया लेता है, और 100 दिनों तक रुपया लेने के बाद उसका जो मूलधन और ब्याज होता है वो पूरा सध जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का ब्याज जो होता है उसका हिसाब किस तरीके से किया जाता है यही इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। और दोस्तों अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी आप इस हिसाब को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है, इसी सवाल पे आपको समझाएंगे। सवाल है 30,000 रुपया का 6% ब्याज दर से 100 दिन के लिए एक दिन का किस्त या ईएमआई कितना बनेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए कि आपने किसी को 30,000 रुपया दिया है और 6% के ब्याज दर पर। देखिए डेली बेसिस पे अगर कोई किसी को पैसा देता है तो वो 6% के हिसाब से ही जो है ना रुपया ब्याज लेता है उससे, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग 6% ही लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 6% को ही लिया है। और 100 दिनों के लिए आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो एक दिन में आप उस व्यक्ति से कितना रुपया लेंगे ये हम पता करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्यूशन को लिखेंगे, यानी हल को लिखेंगे, और उसके बाद सवाल को हल करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 30,000 का 6% आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो 30,000 का 6% हम पहले निकालेंगे दोस्तों, 30,000 का 6% निकालेंगे। अब देखिए 6% हमने सवाल में लिया है इसलिए 6% निकाल रहे हैं। अगर आप 5% के लिए 5% के हिसाब से अगर ब्याज ले रहे हैं तो आप 5% निकालेंगे, अगर आप 7% के हिसाब से ब्याज ले रहे हैं तो 7% निकालेंगे, ठीक है। तो हमने सवाल में 6% लिया इसलिए हमने यहाँ पर 6% को लिया है। अब 30,000 का 6% पता करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, 30,000 को यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, और का मतलब होता है गुणा, तो बीच में गुणा लगाएंगे, और यहाँ पर 6% है तो 6 को लेंगे यहाँ पर, और परसेंट के बदले में इसके बटा में 100 लगा देंगे, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब इसको यहाँ से कटा लेना है। अब देखिए ये 100 जो है ना सभी के बटा में है, इसलिए यहाँ के 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, कटेगा। उसके बाद क्या बचेगा सर, 300 बचेगा और यहाँ पर गुणा में 6 बचेगा, तो 300 लिखेंगे और गुणा में 6 को लिखेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पर है इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, यानी 1800 रुपया हो गया, ठीक है। यानी 30,000 का 6% कितना निकला, 1800 रुपया निकला। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये 1800 रुपया जो निकला है दोस्तों वो एक महीने का ब्याज निकला है। एक महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, यानी 30 दिन का ये ब्याज निकला है दोस्तों, ठीक है। कितने दिन का निकला है दोस्तों, 30 दिन का ब्याज निकला है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए 30 दिन का ब्याज हमें पता है 1800 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, 100 दिन के लिए हमें किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो 100 दिन के लिए इसका ब्याज कितना होगा ये हम पता करेंगे। तो हमने यहाँ पर पता कर लिया है 30 दिन का ब्याज कितना होगा, 1800 रुपया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिन का पहले हम पता कर लेते हैं, एक दिन का पता करना बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, 1800 को यहाँ पर ले लेना है और इसमें 30 से भाग कर देना है सर, ठीक है। 30 से भाग करेंगे, नीचे के 1 जीरो से ऊपर का 1 जीरो कट जाएगा। उसके बाद सर 3 से सर 18 को 6 बार में कटेंगे, और अभी क्या बच रहा है, 6 और यहाँ पर 1 जीरो है, इसको हम यहाँ पर उतार देंगे, यानी ठीक है, यानी 60 रुपया बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता हो गया सर एक दिन का ब्याज हमें पता हो गया है, ठीक है। कितना रुपया निकला है सर, 60 रुपया निकला है। एक दिन का ब्याज हम निकालेंगे पहले, और उसके बाद 100 दिन का निकालना है ना, तो 100 से इसमें हम गुणा कर देंगे। जैसे एक दिन का हमें पता है दोस्तों 60 रुपया है, तो दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, एक दिन का निकालना है, ठीक है, एक दिन का हमें पता है कितना रुपया है दोस्तों, एक दिन का ब्याज कितना रुपया निकला है, 60 रुपया निकला है, ठीक है। हमें पता करना है 100 दिन का, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, इधर एक दिन में 100 से गुणा करेंगे और इधर 60 रुपया में 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे, इधर 100 का गुणा एक में करेंगे तो 100 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक का गुणा किसी चीज़ में आप कीजिएगा तो वो उतना ही रहेगा। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपको गुणा करना है, जैसे 60 का गुणा जो है 100 में करना है, तो 60 को लिखेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितना 0 है उसको यहाँ पर हम बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा आप 6 में कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 का गुणा 1 में करते तो 6 हो जाता, और उसके बाद जितना 0 है उसको यहाँ पर लगा देना है, बस आपका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया है दोस्तों 100 दिन का जो ब्याज है वो निकल गया है 6000 रुपया। ठीक है, 100 दिन का ब्याज कितना निकला है, 6000 रुपया निकला है। अब हमें पता क्या करना है कि एक दिन का किस्त कितना बनेगा, यानी एक दिन का रुपया कितना होगा, तो वो हमें पता करना है। तो ब्याज तो हमने यहाँ पर पता कर लिया है कि 100 दिन का ब्याज 6000 रुपया होगा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि अगर डेली का रुपया लेना है तो कितना लेना होगा, यानी डेली का किस्त कितना बनेगा, तो उसके लिए मूलधन कितना है, 30000 रुपया। ठीक है, और ब्याज भी हमें पता हो गया है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन कितना है दोस्तों, 30000 रुपया है। ठीक है, 30000 को लिखेंगे, और ब्याज कितना है इसको भी लिखेंगे। डिटेल में समझा रहे हैं, समझ लीजिए बाद में आप सिंपल तरीके से शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो मूलधन और ब्याज को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 36000 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन और ब्याज को ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा, 36000 हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि एक दिन का ईएमआई कितना बनेगा, यानी किस्त कितना बनेगा। तो क्या करेंगे सर, 36000 यानी टोटल ब्याज और मूलधन को यहाँ पर हम जोड़ने के बाद उसको यहाँ पर हम ले लेंगे, 36000 हो जा रहा है। और इसमें सर 100 से हम भाग कर देंगे, 100 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 100 दिन के लिए हम लेंगे रुपया। ठीक है, 100 दिन तक मतलब इतना रुपया आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काटेंगे सर, 20 से 20 कट जाएगा, उसके बाद 1 का भाग कीजिएगा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बच रहा है सर, 3 बच रहा है, 6 और 0 यानी 360 बच रहा है। कितना बच रहा है, 360 बच रहा है। तो यही आपका जो है एक दिन का किस्त या ईएमआई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक दिन का किस्त या ईएमआई 360 रुपया बन रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था दोस्तों, जिसको हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, यानी यहाँ पर एक दिन का जो किस्त निकला है दोस्तों, जो वो 360 रुपया निकला है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, अगर आप स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा जो है ना एक बार में स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो आप दोस्तों आसानी से इसको स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आप किसी को 30000 रुपया दे रहे हैं 6% ब्याज दर से, तो 100 दिन के लिए दे रहे हैं, तो एक दिन का किस्त कितना बनेगा, तो वो बनेगा सर 360 रुपया बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 360 रुपया बनेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरीके का वीडियो डेली देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।